मैं यति महाराज, यति महाराज आप सभी दर्शकों का यति महाराज चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके घर के मुख्य द्वार के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरे पास में कई लोग ऐसे आते हैं जो घर के अंदर परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि घर के अंदर हमारे रिद्धि सिद्धि नहीं होती और ये अशांति रहती है करती है। तो मैं आज आप उन सब लोगों के लिए यह वीडियो लाया हूँ कि आपका घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, जिससे आपके घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि का वास हो। अगर आपके घर में संकट बना रहता है तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखें और समझें, और फिर कोई समस्या हो तो आप उसको दूर करें तो आपके घर में हमेशा सुख शांति रिद्धि सिद्धि बना रहेगा और संकट हमेशा आपके घर से दूर रहेंगे। हर कोई आदमी अपने जीवन में अपना खुद का एक निजी मकान बनाकर उसमें परिवार सहित सुख शांति से रहना चाहते हैं और लाखों रुपये खर्च करके एक शानदार अपने सपनों का महल यानी मकान भी बना लेते हैं, लेकिन उस मकान में रहने के जाने के बाद में मन की शांति, परिवार की शांति आदि सब खो जाते हैं और आपस में तकरार शुरू हो जाती है या किसी घर में बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है। तो किसी घर में कमाई कितनी भी हो सब खर्च हो जाती है, पैसा बचता नहीं है, बचत कुछ भी नहीं रहती है या अन्य प्रकार की बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती है। तो मैं आज आपको इस विषय में आपके मकान के मुख्य द्वार के विषय में वास्तु के अनुसार कैसा होना चाहिए आपका घर का मुख्य द्वार यह बता रहा हूँ। अगर आप वास्तु से संबंधित कोई भी जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं या मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में मुझे आप नंबर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 9462575291 इस नंबर पर रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बात कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके उपयोगी मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूं आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। और अब बढ़ते हैं आगे और वास्तु के अनुसार आपका द्वार घर का कैसा होना चाहिए, मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए यह मैं बता रहा हूं। किसी भी मकान का मुख्य द्वार उस घर की शोभा होता है। अगर वह मुख्य द्वार सुंदर हो और सही दिशा में बना हुआ हो तो उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों को इसका लाभ बहुत अच्छा मिलता है। घर छोटा हो या बड़ा या फिर कोई फ्लैट का ही दरवाज़ा हो, हमेशा साफ सुथरा और दिखावट में सुंदर रखना चाहिए, जिसको देखते ही आगंतुक का जो मन है वह स्वतः ही खुश हो जाए और आने वाला खुशी खुशी घर के अंदर प्रवेश कर सके। भवन के मुख्य द्वार पर जो बाकी के मकान के अंदर के जो कमरों के रसोई के और के दरवाजे होते हैं उन दरवाजों से थोड़ा जो मुख्य दरवाजा है वह बड़ा होना चाहिए। भवन की जिस दिशा में मुख्य द्वार हो उस दिशा को 9 समान भागों में बांटकर 5 भाग दाहिनी तरफ और 5 भाग दाहिनी तरफ की ओर से और 2 भाग बाईं तरफ से छोड़कर जो बीच का शेष भाग बचता है वहां पर हमेशा मुख्य द्वार बनाना शुभ रहता है। भवन के मुख्य द्वार के लिए उत्तर या पूर्व दिशा को काफ़ी अच्छा माना जाता है। मुख्य द्वार को यथासंभव मध्य, पश्चिम या दक्षिण में नहीं बनाना चाहिए। मुख्य द्वार 4 भुजाओं की चौखट वाला बनाना चाहिए, यानी कि दरवाजे के जो पल्ले होते हैं उनके चारों ओर एक चौखट होती है, वह चौखट वाला दरवाजा बनाना चाहिए। दहलीज युक्त भवन का जो मुख्य द्वार होता है वह अति शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि बिना दहलीज के भवन में माँ लक्ष्मी प्रवेश कभी नहीं करती है, इसलिए घर के दरवाजे के बीच में जो नीचे की लकड़ी का भाग या वो ऐसा भाग होता है पत्थर का, उसको दहलीज बोला जाता है। तो दहलीज वाला स्थान घर के अंदर होना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी जो है घर में आती है और टिकी रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि दहलीज वाले घर में नकारात्मक ऊर्जा या किसी के भी द्वारा किया गया कोई भी बुरा कर्म है भवन में प्रवेश नहीं कर पाता है। आपके घर के प्रवेश द्वार पर सदैव अच्छी रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि लोग आपके घर के द्वार को अच्छे तरह से देख सकते हैं। प्रवेश द्वार पर
कोई चमकदार रोशनी लगाएं तो अति उत्तम वह द्वार होता है। अगर आपके घर में शुरुआत में पर्याप्त जगह हो तो अपने घर में दो दरवाजे लगाएं, एक दरवाज़ा घर के अंदर आने के लिए और दूसरा दरवाज़ा घर से बाहर जाने के लिए काम ले सकते हैं। अगर इतना आप कर सकते हैं तो भी आपके लिए वह जो है मुख्य द्वार बहुत अच्छा रहता है। अगर आप दो दरवाजे बनाते हैं तो एक बात का अवश्य ध्यान दें कि मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर जाने वाला दरवाज़ा थोड़ा छोटा होना चाहिए, यानी कि घर के अंदर जो प्रवेश करने का दरवाज़ा है वह बड़ा होना चाहिए और घर से बाहर निकलने का जो दूसरा दरवाज़ा आप बनवा रहे हैं वह अंदर आने के दरवाजे से छोटा होना चाहिए। जिस घर की स्त्री प्राय मुख्य द्वार खोलकर सर्वप्रथम घर की दहलीज पर जल छिड़कती है उस घर में किसी भी प्रकार की बुरी नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है और ऐसे भवन में माँ लक्ष्मी का आने का मार्ग हमेशा प्रशस्त रहता है, खुला रहता है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ व ऊपर कुमकुम, रोली, केसर, हल्दी आदि को घोलकर उनसे स्वस्तिक या ओम का शुभ चिन्ह अवश्य ही बनाना चाहिए। यदि किसी भी भवन में एक ही मुख्य द्वार बनाना हो तो उसे पूर्व या उत्तर दिशा में ही बनाना चाहिए, लेकिन यदि भवन पश्चिम या दक्षिण मुखी है तो उनमें कभी भी एक ही प्रवेश द्वार न बनाए, वहाँ दो प्रवेश द्वार या एक से अधिक प्रवेश द्वार बनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि भवन दक्षिण दिशा में है और उसके पीछे उत्तर दिशा में दूसरा भवन हो, अर्थात उत्तर दिशा बंद हो, तो भवन के सामने दक्षिण दिशा में छोटा द्वार बनाकर उसके बाएं यानी बाईं तरफ अर्थात पूर्व दिशा में रिक्त स्थान देकर पूर्व दिशा की तरफ खुलने वाला बड़ा द्वार बनाए और इसे ही मुख्य द्वार का दर्जा दे, अर्थात इसे ही ज़्यादा आप उपयोग में लाए। यदि भवन आपका पश्चिम दिशा में हो और उसके पीछे पूर्व दिशा में दूसरा भवन हो, अर्थात पूर्व दिशा बंद हो, तो भवन के सामने पश्चिम दिशा में छोटा द्वार बनाकर उसके दाएं अर्थात उत्तर दिशा में रिक्त स्थान छोड़ दें और उत्तर दिशा की तरफ खुलने वाला बड़ा द्वार बनाएं और यतिवाणी के अनुसार इसे ही आप मुख्य द्वार का दर्जा दें, अर्थात जो आपने उत्तर दिशा में दरवाज़ा बनाया है उसी दरवाजे को आप आने जाने के लिए मुख्य दरवाज़ा मानकर काम में ले। मुख्य द्वार सदैव भवन के अंदर और घड़ी की दिशा में ही खुलना चाहिए, बाहर की तरफ एवं घड़ी के विपरीत दिशा में खुलने वाला मुख्य द्वार अशुभ माना जाता है। यानी कि जो घर का मुख्य द्वार है आपका घर के अंदर प्रवेश करने का, वह हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, या अगर आपने एक दरवाज़ा बनाया है तो उसको इस तरह से खुलना चाहिए जैसे घड़ी का कांटा घूमता है, उस तरह से वो दरवाज़ा खुलते हुए घूमना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार को खोलने बंद करने में किसी भी तरह की चरचूं चरचूं आदि की जो आवाज़ आती है वह ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर एक द्वार के ऊपर दूसरा द्वार बनाना पड़े तो ऊपर वाला द्वार नीचे वाले द्वार से छोटा एवं एक चीज में ही होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार और रसोई घर आमने सामने न हो, क्योंकि इससे घर के सदस्यों के बीमार होने का अंदेशा रहता है। यदि रसोई घर का स्थान परिवर्तन करना संभव न हो तो उसके दरवाजे पर आप पर्दा लगा सकते हैं। भवन के मुख्य द्वार पर 4x4 साइज का, जो 4x4 इंच का तांबे का या धातु का वास्तु दोष निवारण यंत्र आपको अवश्य लगाना चाहिए। इस उपाय से यदि मुख्य द्वार या भवन में कोई भी वास्तु दोष होता है वह काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। मुख्य द्वार के वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के द्वार पर घंटियों की जो झालर होती है जिसमें हिलने से आवाज़ आती हो, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। ऐसी घंटियां
जो आपको घर में लगानी चाहिए, जो आवाज़ें हिलती हो, आवाज़ करती हो, बजती हो। घर के लोग ऊर्जा से ऐसा करने से भरे रहते हैं। फेंगशुई के अनुसार अगर देखें तो भवन के मुख्य द्वार के हैंडल पर अंदर से लाल रंग के धागे अथवा फीते में तीन तांबे के छेद वाले सिक्के बांधे, जिससे घर में धन का आगमन होता रहता है, धन रुकता नहीं है, धन की हानि भी नहीं होती है। इसलिए तीन तांबे के जो छेद वाले पुराने सिक्के होते हैं उसको लाल फीते में बांधकर घर के अंदर के साइड में दरवाजे के हैंडल में बांध लें। अगर सभी प्रकार से द्वार अशुभ हो या कुछ अशुभ लगे आपको, तो हमेशा आप द्वार के अंदर साइड में, दरवाजे के अंदर साइड में, दरवाजे के ऊपर साइड में अंदर सुंदर स्वस्तिक का कोई यंत्र या चिन्ह या ऐसा कुछ जो है वह लगाए जो शुभ चिन्ह हो। स्वास्थ्य जो स्वास्तिक का आप लगाएंगे वहाँ दरवाजे के अंदर ऊपर साइड में, वह बहुत अच्छा माना जाता है। इससे वास्तु के प्राय सभी दोष जो है वह समाप्त कर देता है स्वस्तिक का चिन्ह लगाना। कोई भी काम करने से पहले या घर में बदलाव करने से पहले किसी विद्वान वास्तुशास्त्री से मिलकर उस वास्तु के विषय में जानकारी जरूर ले लें, तो आपके घर में प्रॉपर रूप से जो है वह वास्तु दोष दूर किया जा सकता है। इसलिए आप हमेशा कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले किसी वास्तुशास्त्री को आप बताएं और वह जैसा कहे वैसा परिवर्तन करें, तो आपके घर के बिना तोड़ फोड़ के वास्तु है वह दोष है वह दूर हो जाएंगे। यह था आज के वीडियो में घर के मुख्य द्वार के विषय में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और नई जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।